डियर स्टूडेंट, आज हम आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल ऑल अबाउट NCERT में। आज हम पढ़ रहे थे क्लास 8th का थर्ड लेसन, बस की यात्रा। ठीक है, चलिए आज पेज नंबर 3 हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का भाग 2। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। देखिए दोस्तों, कितना मज़ेदार पाठ है ये। वो लोग जो बैठे हैं बस में, वो कह रहे हैं कि बस जो है सच में चलने लग गई थी। तो चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये बस जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला होगा उस समय जवान रही होगी और उसे ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। ठीक है, अब ये एक वो दे रहे हैं, इसको उपमा दे रहे हैं कि बस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग किया था। मतलब बस चारों ओर से उखड़ी होगी, सीट उखड़ी हुई होगी, कभी गिर रही होगी, कभी बैठ खिसक रही होगी, ऐसा लग रहा था उन्हें। तो वो कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लग रहा था कि सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। सीट भी एक जगह में नहीं थी, मतलब बस बहुत ही पुरानी हालत में थी। कभी सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, कभी लगता था कि सीट बॉडी भाग रही है, ऐसे लग रहा था। सीट जो है बहुत ही टूटी फूटी थी, उसकी ये उपमा दी गई है इसमें। ठीक है, 8-10 मिनट चलने के बाद सारे भेदभाव मिल गए। अब कह रहे हैं कि 8-10 मील चलने के बाद हमें ऐसा लगा कि अब सब कुछ भेदभाव मिट गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो फिर कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि सीट में हम बैठे हैं या कि हम सीट में, मतलब इतने उन्हें धक्के मुक्के उस बस में लग रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब क्या कह रहे हैं कि बस एकदम से रुक गई है। ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, ये पता लगा उन्हें। अब ड्राइवर ने बाल्टी से पेट्रोल निकालकर बगल में रखा और एक नली सी डालकर उसमें इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के दूध में दूध की सीसी लगाती है। अब वो जो बैठा है उसमें, वो कह रहा है कि अब मैं यह उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस के कंपनी वाले आएंगे और इंजन निकालेंगे और फिर उसे इंजन पिलाएंगे, इंजन को पेट्रोल पिलाएंगे। ठीक है, जैसे माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है। फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगा, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लग जाएगी। अब कह रहे हैं कि बस की हालत इतनी ख़राब थी, बस की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पे भरोसा नहीं था कि बस ठीक ठाक चलेगी। ब्रेक फेल हो सकता था। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस का ब्रेक भी फेल हो सकता है और स्टीयरिंग भी टूट सकता है। इतनी ख़राब, चारों तरफ से टूटी फूटी हिलने वाली बस थी ना। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, और प्रकृति के जो है दृश्य बहुत अच्छे लग रहे थे। जो बस के किनारों से हम जब बस में बैठते हैं तो देखते हैं चारों ओर पेड़ चल रहे हैं, ऐसा लगता है हमें, और उसमें पक्षी बैठे हैं। तो वो कह रहा है कि उस समय मुझे पेड़ भी दुश्मन जैसे लग रहे थे, ताकि लगता था कि कहीं बस इससे न टकरा जाए और कहीं बस फिर दूसरे बस से पेड़ से न टकरा जाए। कहीं झील दिखती तो ऐसा लगता था कहीं बस इसमें न गिर जाए। तो ये सब उनको महसूस हो रहा था उस बस में बैठकर। फिर आगे देखो क्या कहते हैं। एकाएक फिर बस रुकी, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। अब कह रहे हैं कि बस फिर एकाएक अचानक रुक गई और वह ड्राइवर ने कई उपाय करे लेकिन वो फिर नहीं चल पाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था।
कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। अब देखो सभी ने फिर से कह रहे हैं कि फिर कंपनी के हिस्सेदार लोग कह रहे हैं जो कंपनी वाले थे वो कह रहे थे कि बस तो बिल्कुल फिट है, यह तो एक इत्तेफाक है कि वो रुक गई है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस खबड़ी दयनीय लग रही थी, लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर आ गई हो। तो वो कह रही है कि चांदनी रात में जब वो बस रुकी थी तो ऐसा लगता था उसकी स्थिति बड़ी ही ख़राब लगती थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत थक के बैठ गई हो ऐसा लग रहा था। हमें बड़ी ग्लानि हो रही थी, बेचारी हम पर लत कर हम चले आ रहे थे, अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि हमें भी बहुत, लेखक कह रहा है हमें भी बहुत दुख हो रहा था कि हम इतनी ख़राब हालत की बस्ती, इसमें तो जान ही नहीं है, इसमें बैठ के आ गए, अब हमें इसकी इसके प्राणों का शायद अंत हो गया है, हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हिस्सेदार साहब ने जब इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब क्या हो रहा है, वो हिस्सेदार साहब ने जैसे तैसे इंजन खोला जो बस के आए कंपनी वाले, तो इंजन बस कुछ सुधारा तो बस थोड़ा सा आगे चली, उसकी चाल लेकिन बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगा। अब उसको बस को किसकी संज्ञा दे दी है, ये वृद्धा की संज्ञा दी है। वो कह रहे हैं कि उसकी आंखों की ज्योति धीरे धीरे कम होने, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उसके आगे पीछे कोई आती दिखती, कोई गाड़ी आ रही थी तो एकदम से किनारे पर रुक जाती और कहती कि जाओ जाओ तुम आगे जाओ। ठीक है, अब देखिए फिर आगे। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, वह जोर से हिलकर थम गई, अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के रिश्तेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर रखकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। अब क्या कह रहे हैं कि एक पुलिया के ऊपर पहुँचे थे तो ऐसा लगा कि एक टायर उसका बिल्कुल, उसकी हवा निकल गई और वो बिल्कुल बैठ गया और बस जोर से हिलकर रुक सी गई। अगर अब वो कह रहे हैं कि अगर बस बहुत तेज़ गति में होती, ऐसा होता तो बस नाले में भी जा सकती थी उछलकर। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, वो कह रहा है कि मैंने उस कंपनी का जो आदमी था उसके पास पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी हाथ हथेली पर लेके इसी बस से सफ़र कर रहे हैं, फिर भी वो हमेशा इसी बस से सफ़र करते आ रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, अब वो कह रहे हैं कि उत्सर्ग जैसा इसमें दिया है ऐसी भावना बहुत ही दुर्लभ है, कहीं भी नहीं मिलती। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का उपयोग नहीं हो रहा, वो कह रहा है कि यह आदमी कितना साहसी है जो फिर भी इसी बस में सफ़र कर रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, अगर बस नाले में गिरती हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार कर हमारा, वो कह रहा है कि अगर बस नाले में गिरती तो हम सब मर भी सकते थे, कहते वह महान आदमी आ गया जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। वो कह रहे हैं कि एक टायर के लिए उसने अपने प्राण दे दिए लेकिन फिर भी टायर नहीं बदला। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। आप कह रहे हैं दूसरा एक पुराना टायर उसका बदल दिया गया और बस फिर से चल दी। अब हमने वक्त पर पन्ना पढ़ने पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़, पन्ना क्या कहीं भी पहुँचने की उम्मीद छोड़, लगता था ज़िंदगी बस इसी बस में गुजरनी है और सीधे उस लोग को तैयार कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया।
आप कह रहे हैं कि दूसरा अब लेखक कह रहा है कि दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर से चल दी और हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब वो कह रहे हैं कि हमने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम वक्त में पन्ना पहुंच जाएंगे। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद हमने अब छोड़ दी। उस बस की हालत इतनी ख़राब थी कि हम कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे इस श्लोक से उस श्लोक में हम पहुंच जाएंगे। इस पृथ्वी पर कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव सब खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। यह पाठ है, यह इस पाठ के लेखक हैं रविशंकर परसाई जी, जिन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी है कि बस का सफ़र ना ना